मंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई तीसरी बार बने हैं और तीसरी बार बनने की शुरुआत आपने देखा होगा कि रशिया के अंदर में एक जो उनका सर्वोच्च सम्मान होता है नरेंद्र भाई को नहीं बल्कि हिंदुस्तान की देश की जनता को मिला है। वह कि नरेंद्र मोदी जी के जो विचार है वो जन जन तक पहुंचाएं, उनके द्वारा शुरू की हुई योजनाएं का लाभ जन जन तक मिले और इसी उद्देश्य को लेके एक अच्छे कार्यकर्ता का अच्छे नेता का निर्माण करे। नरेंद्र मोदी विचार मंच बीरा भाईंदर शहर जिले के प्रमुख कार्यकर्ताओं के लिए गुरु पूर्णिमा पर भाईंदर सेकेंडरी स्कूल में केशव सृष्टि गौशाला के कार्यवाह डॉक्टर सुशील अग्रवाल की अध्यक्षता में तथा नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि चाणक्य की उपस्थिति में वैश्विक पटल पर उभरता भारत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष रवि चाणक्य ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारत प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति वाला देश है तथा आर्थिक एवं तकनीकी क्षेत्रों में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के निर्देशन में देश प्रगति के पथ पर है। देश को आर्थिक विकास में समावेशी बनाने, पर्यावरण और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की जरूरत है। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों पर हाल ही में हो रहे सैनिकों पर हमलों को लेकर तीखी निंदा की और कहा कि आज राष्ट्र विरोधी ताकतें फिर से कुचक्र चला रही है जिन्हें रोकने तथा तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला लक्ष्य होगा हर हाथ रोजगार। इस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी विचार मंच के ओवरसीज जनरल सेक्रेटरी शैलेश पटेल, महिला शाखा की राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्योति श्रीवास्तव, सचिव सुरभि सिन्हा, युवा शाखा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण शुक्ला, मीरा भाईंदर के शहर जिला अध्यक्ष एडवोकेट तरुण शर्मा, पवन सिंह, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री अनीता दीक्षित, मीरा भाईंदर के महामंत्री गौरांग कंसारा, महिला मोर्चा की वर्षा वोरा, फाल्गुनी जोगी सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम को लेकर हमने नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि चाणक्य जी से कुछ सवाल किए तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देखिए, दुनिया जानती है कि भारत के ही नहीं दुनिया के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई तीसरी बार बने हैं और तीसरी बार बनने की शुरुआत आपने देखा होगा कि रशिया के अंदर में एक जो उनका सर्वोच्च सम्मान होता है नरेंद्र भाई को नहीं बल्कि हिंदुस्तान की देश की जनता को मिला है। और अपना मानना है कि जो विश्व पटल के ऊपर जो उभरता भारत जो अपना स्लोगान है वो विश्व के अंदर में भारत को महाशक्तिशाली बनाने के लिए अपने को कार्य करना है। और ये बड़ा गर्व का बात है कि इस देश के अंदर में पहली बार ऐसा हुआ कि तीसरी बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई बने हैं। चार जून को देश के नतीजे आ गए, नरेंद्र भाई वापस प्रधानमंत्री बन गए और तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। अब आगामी क्या योजना रहेगी नरेंद्र मोदी विचार मंच की? ठीक है, मेन नरेंद्र भाई का जो लक्ष्य है, नरेंद्र भाई के सपनों का भारत, शक्तिशाली परम भव भारत,
और अपने को परम वैभव भारत के ऊपर शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा के क्षेत्र के साथ इस बार 100% हाथों में रोजगार के ऊपर अपने को कार्य करना है, क्योंकि पिछली बार हो चुका सबका साथ सबका विकास और इस बार है हर हाथ में काम। नरेंद्र मोदी विचार मंच के 27 अनुसांगिक संगठन करते हैं, वे कौन कौन से हैं और क्या है? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा डॉक्टरों का ऑर्गेनाइजेशन है, मजदूरों के क्षेत्र में मजदूरों का ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरीके विद्यार्थियों के क्षेत्र में विद्यार्थियों का है, सारे क्षेत्रों में है और सारे क्षेत्रों का एक ही सार है, एक ही सारांश है कि परम वैभव भारत। परम वैभव भारत बनाने के लिए जो नरेंद्र भाई का स्वप्न है उसको 27 संगठन मिलकर पूरा करने वाले हैं, अपना ऐसा मान। देखिए, गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आज इस नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक आदरणीय रवि भाई चाणक्य जी यहाँ पे पधारे थे। नरेंद्र मोदी जी के विचारों को, नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को जन जन तक पहुँचाना और नरेंद्र मोदी जी को कैसे सशक्त बनाना, उसके माध्यम से इस भारतवर्ष को कैसे सशक्त बनाना, ये संस्था का उद्देश्य है और इसके अंदर इनके निरंतर प्रयास यहाँ पे शुरू है, निरंतर प्रयास यहाँ पे चालू है। इस विषय पे उनका आज बौद्धिकता विश्व पटल पर उभरता भारत, तो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में भारत की साख पूरे विश्व में किस तरह से बढ़ी है, किस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है, किस तरीके से जो देश हमको आँख दिखाते थे वो हमारे लिए पलके बिछाए यहाँ पे बैठे हैं, किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने अपने देश को विश्व पटल पर ऊँचे एक अलग ही ऊँचाई पर लेकर गया है, ये सारा यहाँ पे उनके बौद्धिक में हुआ है और बहुत ही सुंदर आज का कार्यक्रम हुआ है। अभी हम सबका दायित्व है कि नरेंद्र मोदी जी के जो विचार है वो जन जन तक पहुँचाएँ, उनके द्वारा शुरू की हुई योजनाएँ का लाभ जन जन तक मिले और इसी उद्देश्य को लेके एक अच्छे कार्यकर्ता का, अच्छे नेता का निर्माण करें, यही अब आज से एक टेक होम मैसेज इसको कह सकेंगे।